नमस्कार करता हूँ सबसे पहले तो सभी को और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। देखिए अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, तो उनको ये समय व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं जैसे ये लॉकडाउन पूरा हो जाता है उसके बाद में शेष बची हुई बोर्ड परीक्षाएं अवश्य होनी है। इस तरह की बातें दिमाग में नहीं लाएं कि हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, श्योर 100% सभी बोर्ड परीक्षाएं होनी है जो शेष बची हुई है वो। तो इसके लिए अब आप व्यर्थ में समय नहीं गंवाएं, क्या करें, तो इसके लिए देखिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं कि लॉकडाउन के समय में विद्यार्थी कुछ कर सके। तो उन्होंने शाला दर्पण पे एक सिटीजन विंडो आता है, सिटीजन विंडो में प्रयास 2020 नाम से टैब शुरू किया है और शेष बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैटर प्रदान बच्चों को किया है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें और टीचर्स भी देखें और अपने बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और अभिभावकों को फोन द्वारा या कैसे भी जानकारी दें, ताकि बच्चे इस लॉकडाउन के समय का पर्याप्त उपयोग करें और लॉकडाउन के बाद जब भी उनकी परीक्षाएं हो तो वो 100% अपना दे सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें प्रयास 2020 किस तरह से खोला जाएगा शाला दर्पण पे। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल लिया और इसमें हम लगाएंगे राजरमसा टाइप करके सर्च पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, इस पर क्लिक कर देंगे, ये खुल गया। अब इसमें यहां क्लिक करेंगे आप, इधर लॉगिन नहीं करना है, क्लिक टू विजिट इंटीग्रेटेड शाला दर्पण मेन वेबसाइट, क्योंकि हमें सिटीजन विंडो खोलना है जो मेन वेबसाइट पे मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये देखिए यहां आपको मिलेगा सिटीजन विंडो, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये सिटीजन विंडो खुल चुका है। तो अब देखिए सिटीजन विंडो में ये ऑप्शन है, इनमें ये डायरेक्ट ये ऑप्शन है प्रयास 2020, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये देखिए ये काफी अच्छा मैटर सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया बच्चों को, और मैं तो कहूंगा कि बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों को इनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। देखिए जैसे कक्षा बारहवीं में देखिए विज्ञान संकाय में अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सभी का मैटर उपलब्ध है। कक्षा बारहवीं में कला संकाय में हिंदी, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल इनका मैटर उपलब्ध है, शायद इनकी परीक्षाएं नहीं हुई उस हिसाब से। और कक्षा दसवीं के लिए देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, मतलब मैटर सभी का है, लेकिन आपकी जो परीक्षाएं नहीं हुई वही मैटर आप करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैं कक्षा बारहवीं में देखिए खोल के बताता हूँ, कक्षा बारहवीं में कला संकाय खोलते हैं तो इस तरह से PDF फाइल खुलेगी। कक्षा बारहवीं आर्ट्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कक्षा बारहवीं आर्ट्स न्यू PDF, थोड़ा समय लग रहा है PDF के खुलने में। अब देखिए ये इस तरह से, तो इसमें जो जो थे जैसे भूगोल है, इतिहास है, हिंदी, साहित्य, इन इनका है मैन। तो देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा सबसे पहले हिंदी साहित्य 800 वालों के लिए सबसे पहले कक्षा 12 हिंदी साहित्य परीक्षा योजना, सबसे पहले परीक्षा योजना दे रखी है कि किस तरह से पेपर आएगा ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी, और उसके बाद इसी परीक्षा योजना के अकॉर्डिंग प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए जैसे पहले चार नंबर के चार प्रश्न आएंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में वो दे रखे हैं। फिर देखिए दो दो नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो दे रखे हैं। फिर उसके बाद दो दो नंबर के जो चार प्रश्न आते हैं वो इस तरह के प्रश्न आएंगे, अलंकार, अन्योक्ति, अलंकार, समासोक्ति, विभावना। देखिए अपनी तरफ से पूरा मैटर दिया हुआ है, तो आप शॉर्ट में ये मैटर है तो आप इसको पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका पेपर एकदम रेडी हो जाएगा, अगर इस पूरे मैटर को आप लॉकडाउन पीरियड के दौरान तैयार कर लेते हैं तो। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के लिए मैं बता दूं कि कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं वो चिंता नहीं करें, उनके लिए मैं इन्हीं प्रश्नों के वीडियो अपलोड करूंगा। ये इतिहास है, तो इस तरह से देखिए इतिहास चालू हो गई, इतिहास के प्रश्न है, मैन प्रश्न, और ये पूरे के पूरे पेपर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं प्रश्न, ऐसे नहीं दे रखे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी तरह के, यू नहीं है। पेपर में जिस तरह के प्रश्न आएंगे, बड़े छोटे मिलान करने वाले जो भी, वो हर तरह के प्रश्न यहाँ उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सरकार की पहले, तो इसका ज्यादा से ज्यादा अभी देखिए अर्थशास्त्र है और ऐसे ही नीचे भूगोल आ जाएगी।
देखिए अर्थशास्त्र चल रही है अभी और ये भूगोल आ गई, ये भूगोल चालू हो गई। तो आर्ट्स में ये चार चीज़ें हैं, 12वीं आर्ट्स में चार विषय हैं, 10वीं में हिंदी अंग्रेजी गणित। तो जैसे साइंस का खोल के देखता हूँ मैं, साइंस विज्ञान संकाय का, तो देखिए इसमें PDF खोल के देखते हैं, देखिए कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको सारी सब्जेक्ट नहीं देखनी, आपके जो पेपर नहीं हुए वही सब्जेक्ट आप देख लेंगे और उन्हीं को तैयार कर लेंगे। खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए, माफी चाहूंगा थोड़ा वीडियो, क्योंकि PDF फाइल है, बहुत बड़ी PDF फाइल है, तो इसमें समय लगेगा। तरीका इसका ये होगा, सिटीजन विंडो में जाएं आप और सिटीजन विंडो में जाके प्रयास 2020 के नाम से इसको डाउनलोड कर लें। देखिए बढ़ रही है आगे फाइल, फोन आ गया था बीच में इसलिए रुक गई थी। थोड़ा समय लग रहा है इसके लिए माफी चाहूंगा। साइंस वालों को भी बता देते हैं कि भाई आपके भी काम की चीज इसमें है, इसलिए मैं PDF फाइलें खोल खोल के दिखा रहा हूं आपको। ये खुलने वाली है थोड़ी देर में, ये खुल चुकी है। ये देखिए हिंदी अनिवार्य है, अंग्रेजी अनिवार्य है, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। प्रश्न भी दे रखे हैं 3 से 5, 16 से 24, 25 से 44, 45 से 50, 51 से 61 और प्रश्न संख्या 62, ये सभी दे रखे हैं। तो ये देखिए ऊपर ही ऊपर पहले हिंदी अनिवार्य, शायद हिंदी अनिवार्य का पेपर हो चुका है आपके, तो बाकी जिनका नहीं हुआ उनकी आप ले लेंगे यहाँ से प्रश्न। तो ये साइंस वालों के लिए था। अब उसके लिए उसके बाद में देखिए ये 10वीं वालों के लिए, 10वीं वालों के लिए भी खुल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें, थोड़ा फास्ट खुला इस बार। ये देखिए ये 10वीं का दे रखा है, सभी सब्जेक्टों का प्रयास 2020, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत। तो आपको जो भी चाहिए वो भी ले लेंगे, बाकी जिनकी परीक्षा हो गई उनको दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए गत बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, ये जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो पिछले साल के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो क्लिक करते ही देखिए आ गए, 12वीं कक्षा की है 2018 की परीक्षाएं, 10वीं कक्षा की 2018 की परीक्षाएं की उत्तर पुस्तिकाएं, जो भी आपको देखनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो खुल जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर सभी चीज़ों को मैं खोल खोल के बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये देखिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी है, तो अध्ययन सामग्री इसमें देखिए, ये भी इसमें सारा कक्षा 10वीं के लिए है केवल ये, और 10वीं के लिए सारी सब्जेक्टों की अध्ययन सामग्री यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी एक को खोल के देख सकते हैं जो आपको चाहिए। 10वीं की तो दो ही परीक्षाएं बची हैं, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, तो उसी की डाउनलोड करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो लॉकडाउन के समय का इस तरह से विद्यार्थी उपयोग कर सकते हैं, सरकार ने ये चलाया है, इसको देखें करें पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लॉकडाउन का समय आपके लिए वरदान साबित हो। देखिए जब हमारे 10वीं क्लास में इंग्लिश टाइम इंग्लिश में एक लाइन चला करती थी कि लेजर कैन बी ब्लेस और कर्स, लेजर का मतलब होता है कि छुट्टियों का समय, मतलब खाली समय, खाली समय वो आपके लिए आशीर्वाद भी हो सकता है, वो आपके लिए श्राप भी हो सकता है, ब्लेस और कर्स। तो हमें इस खाली समय को अपने लिए ब्लेस बनाना है, आशीर्वाद में तब्दील करना है और अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त करना है। इसी आशा के साथ मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।